Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive Prasad. Prasad scheme ke baare mein janenge, pehle bhi hum logon ne consider kar rakha hai. The Citizen Commission to shape Chamundi Hills and its environment has resolved to seek permission from the Heritage Committee before beginning Prasad development work on the hilltop. जो सिटीजन कमिटी है जो कि सेव करेंगे चामुंडी हिल को इसके एनवायरमेंट से रिजॉल्व करने के लिए परमिशन को हेरिटेज कमिटी से प्रसाद डेवलपमेंट वर्क जो होगा हिल टॉप में उसके पहले परमिशन लिया जाएगा उसके बाद ही ये काम होगा। तो इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। प्रसाद स्कीम क्या है इसको भी हम लोगों ने कर ही रखा है। जो चामुंडी हिल विच आर अबाउट 3489 फीट अबव सी लेवल इज लोकेटेड 13 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैसूर कर्नाटका एंड द नेम कम्स फ्रॉम द चामुंडेश्वरी टेम्पल एट दी पीक। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चामुंडी हिल से आपका वो 3849 फीट अबव है सी लेवल के, ये लोकेटेड आपका 13 किलोमीटर ईस्ट में मैसूर कर्नाटका के, और जो नाम है इसका वो चामुंडेश्वरी टेम्पल के नाम पर रखा गया जो कि इसके पीक पे है। गिवन चामुंडी हिल्स एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी देयर हैव बीन कॉल फॉर इट प्रिजर्वेशन थ्रू प्रोजेक्ट दैट आर नॉट हार्मफुल टू द लोकल इकोलॉजी सच एज इनकरेजिंग द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और जो चामुंडी हिल्स है वो एनवायरमेंटली काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इस कारण प्रिजर्व करने की बात कही गई इसको। जो प्रोजेक्ट है वो हार्मफुल हो सकता है लोकल इकोलॉजी के लिए, इस कारण इनकरेज करना यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का खतरनाक है, ये इस कारण इनकरेज किया जाए यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ये कहा गया है। प्रसाद स्कीम के बारे में हम जान लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दी प्रसाद स्कीम इन द ईयर 2014-15 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो जो प्रसाद स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रसाद स्कीम को 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत यह आता है। ये जो स्कीम है ये फोकस करता है डेवलपमेंट को लेकर और आइडेंटिफाई करता है ये पिलग्रिमेज साइट को पूरे भारत में ताकि एनरिच किया जा सके रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस को। इट एम्स टू इंटीग्रेट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इन ए प्रायोरिटाइज प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर टू प्रोवाइड ए कम्प्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। और इसका मकसद है इंटीग्रेट करना पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को एक प्रायोरिटाइज प्लान और सस्टेनेबल मैनर पे ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक कम्प्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर रिस्क प्रोफाइल पीआईबी के न्यूज। हम जानेंगे इसके बारे में नेचर रिस्क प्रोफाइल के बारे में। द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड एसएनपी ग्लोबल लॉन्च नेचर रिस्क प्रोफाइल अ न्यू मेथोडोलॉजी फॉर एनालाइजिंग कंपनी इम्पैक्ट एंड डिपेंडेंसी ऑन नेचर। तो कौन लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी और एसएनपी ग्लोबल इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है नेचर रिस्क प्रोफाइल को जो कि एक न्यू मेथोडोलॉजी है एनालाइज करने के लिए कंपनी के इम्पैक्ट और डिपेंडेंसी को नेचर के ऊपर। इट वॉज रिलीज एट डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। इसको रिलीज किया गया था डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के दौरान। इट मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और इसका जो मेथोडोलॉजी है ये आपका बेस्ड है कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर। हम नेचर रिस्क प्रोफाइल एनआरपी के बारे में जान ले। द नेचर रिस्क प्रोफाइल इज एम्ड एट इनेबलिंग द फाइनेंशियल सेक्टर टू मेजर एंड एड्रेस नेचर रिलेटेड रिस्क बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिकली रॉबस्ट एंड एक्सनेबल एनालिटिक्स ऑन नेचर इम्पैक्ट एंड डिपेंडेंसी। जो नेचर रिस्क प्रोफाइल है इसका मकसद है इनेबल करना फाइनेंशियल सेक्टर को कि वो मेजर करे एड्रेस करे नेचर रिलेटेड रिस्क को प्रोवाइड करके साइंटिफिकली रॉबस्ट और एक्सनेबल एनालिस्ट को नेचर के इम्पैक्ट को लेकर और डिपेंडेंसी को लेकर। इसका इम्पोर्टेंस क्या है। विथ हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर बायोडाइवर्सिटी लॉस इज अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है इसके अनुसार जो हाफ है वर्ल्ड का जीडीपी का वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है ये एक चिंता का विषय है ग्लोबल बिजनेस लीडर के लिए भी। यूएनईपी के बारे में और एसएनपी के बारे में भी हम जान लेते हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल इश्यू विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय मॉराइस स्ट्रॉन्ग इज फर्स्ट डायरेक्शन अबाउट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम इन जून 1972। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स के लिए एनवायरमेंटल इश्यू को लेकर यूनाइटेड नेशन सिस्टम पे। इसको एस्टेब्लिश किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा जो कि इसके पहले डायरेक्टर थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट का जो आपका स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। उसके बाद एसएनपी के बारे में भी हम जान लें। एसएनपी ग्लोबल इंक्लूसिव इज एन अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर इन महत्तम न्यूयॉर्क सिटी। इट्स प्राइमरी एरिया ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स। जो आपका एसएनपी ग्लोबल इंक्लूसिव है ये अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर महत्तम न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका मेन एरिया जो बिजनेस का है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और एनालिटिक्स का है। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में भी हम जान ले। इट वॉज एडॉप्टेड लास्ट ईयर दिसंबर 2022 एंड इंक्लूड सेवरल टारगेट फॉर कंट्रीज बिजनेस एंड अदर स्टेक होल्डर फॉर सेविंग बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग 30x30 डील मनी फॉर नेचर इंश्योर 200 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर एक्सेट्रा।
ये जो आपका कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसको अडॉप्ट किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर 2022 पे। ये इंक्लूड करता है बहुत सारे टारगेट को कंट्री के लिए, बिजनेसेस के लिए और बाकी स्टेक होल्डर के लिए भी, ताकि सेव किया जा सके बायोडायवर्सिटी को, जिसमें कि 30x30 डील मनी फॉर नेचर जो कि इंश्योर करता है $200 बिलियन $200 पर ईयर एक्सेट्रा को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, केरला वायनन बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल पीपल। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस स्टेट का है, तो जिसके द्वारा ये किया गया है। तो केरला का जो वायनन डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया पहला डिस्ट्रिक्ट कंट्री का जो कि प्रोवाइड कर रहा है बेसिक डॉक्यूमेंट सारे ट्राइबल पीपल को। तो समझेंगे इसके बारे में हम, वायनन बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट एंड फैसिलिटेट सच एज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल ट्राइब पीपल। जो वायनंद है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री का, केरला का मतलब, जो कि प्रोवाइड कर रहा है बेसिक डॉक्यूमेंट, ये आपका केरला में इसलिए ऐसा कहा गया, फैसिलिटी जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे टाइप पीपल को। वर्क डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, जो काम किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां का। एफिजिट कैंपेन इज ऑर्गेनाइज बाय वायनंद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पीपल अवेयरनेस, जो आपका एबीसीडी कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था वायनंद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पीपल अवेयरनेस के लिए। कोलेबरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट, कोलेबरेशन किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। इट ऑर्गेनाइज ओवर 26 कैंपेन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट सो फॉर द सपोर्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट आईटी मिशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसमें ऑर्गेनाइज किया गया 26 कैंपेन को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि सपोर्ट मिल सके रेवेन्यू और ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट आईटी मिशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का। इंश्योरिंग बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल सिटीजन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी एंड दिस डॉक्यूमेंट आर डिजिटलाइज एंड सेव्ड इन डिजी लॉकर अकाउंट ओपन फॉर देम। इंश्योर किया गया बेसिक डॉक्यूमेंट को कि जो सारा सिटीजन का वो बिलोंग किया जाए शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, और ये जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटलाइज किया गया और सेव किया गया डिजी लॉकर अकाउंट में, जिसको कि ओपन किया गया था उनके लिए। इसका बेनिफिट क्या हुआ, पीपल मोस्टली ट्राइबल कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ द गवर्नमेंट इंसेंटिव, जो पीपल है ज्यादातर ट्राइबल वो अवेल कर सकेंगे खुद को गवर्नमेंट इंसेंटिव के लिए। इट विल सेव देम टाइम एंड एफर्ट ऑफ विजिटिंग सेवरल ऑफिस, इससे उनका समय और एफर्ट बचेगा जो कि उनको विजिट करने में लगता है अलग अलग ऑफिस में। डिजिटलाइजिंग एंड डॉक्यूमेंट थ्रू डिजी लॉकर विल हेल्प द बेनिफिशियरी इजिली रिट्राइव द डॉक्यूमेंट इन केस दे आर लॉस्ट और डैमेज, और डिजिटलाइज करके डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे ये मदद करता है बेनिफिशियरी को कि वो आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को अगर वो लॉस या डैमेज होते हैं तो। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, राइजिंग डिमांड फॉर क्योरा ऑयल अ ब्लेसिंग फॉर 2 लाख पीपल इन ओडिशा गंजम, तो जो डिमांड बढ़ा है क्योरा ऑयल का ये एक ब्लेसिंग है 2 लाख पीपल के लिए ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, तो जानेंगे इसके बारे में। फिर क्योरा के बारे में भी हम समझेंगे। रिसेंट ग्रोथ इन डिमांड फॉर क्योरा ऑयल हैज बूस्टेड द रेवेन्यू ऑफ फैमिली इन द कोस्टल पॉकेट्स ऑफ ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट हु हैव बीन इकिंग आउट अ लिविंग बाय प्रिपेयरिंग एरोमेटिक क्योरा ऑयल फॉर ईयर, जो अभी हाल ही में डिमांड बढ़ा है क्योरा ऑयल का, इसने बूस्ट कर दिया है रेवेन्यू को फैमिलीज के लिए कोस्टल पॉकेट में ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि डिपेंडेंट है इसके ऊपर, जो कि प्रिपेयर करते हैं एरोमेटिक क्योरा ऑयल को सालों से। केवड़ा के बारे में हम जान ले, गंजम केवड़ा पेंडेनस फेस्कुलरिस ऑयल इज स्टीम डिस्टिल फ्रॉम द फ्लावर ऑफ एरोमेटिक स्क्रिप वाइन प्लांट एंड यूज एज एन एरोमेटिक इन द फूड इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर, जो गंजम केवड़ा ऑयल है ये स्टीम डिस्टिल फ्लावर के तैयार किया जाता है एरोमेटिक स्क्रिप वाइन प्लांट के, इसका उपयोग किया जाता है एरोमेटिक फूड इंडस्ट्री या अदर सेक्टर पे। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको रजिस्टर किया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कलर डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ पाइन, व्हाइल द मेल पाइन आर कलरफुल एंड आर यूज इन ऑयल मेकिंग, द फीमेल पाइन आर ग्रीन एंड लाटूर टर्न ब्राउन, जो कलर है वो डिपेंड करता है सेक्स के ऊपर पाइन के। जो मेल पाइन्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और इसका उपयोग किया जाता है ऑयल बनाने में, जबकि फीमेल पाइन्स जो है वो ग्रीन होते हैं और बाद में ब्राउन हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जादवपुर यूनिवर्सिटी टीम बिल्ड पॉल्यूशन मैप बेस्ड ऑन रोड साइड डस्ट, तो जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का टीम है उन्होंने बिल्ड किया है पॉल्यूशन मैप को जो कि बेस्ड है रोड साइड डस्ट के ऊपर, तो हम जानेंगे इसके बारे में। जियोलॉजिस्ट एट जादवपुर यूनिवर्सिटी हैव फाउंड दैट दे कैन गेट अ प्रिलिमिनरी सेंस ऑफ पॉल्यूशन इन एन एरिया बाय कलेक्टिंग रोड साइड डस्ट एंड टेस्टिंग इट विद मैग्नेटिक फील्ड, जो जियोलॉजिस्ट है जादवपुर यूनिवर्सिटी के उन्होंने पाया है कि एक प्रिलिमिनरी सेंस जो पॉल्यूशन का वो बता सकते हैं कलेक्ट करके रोड साइड डस्ट को टेस्ट करके मैग्नेटिक फील्ड से। ये जो टेक्निक है ये रिवील करता है जो प्रेजेंस है अलग अलग मैग्नेटिक एलिमेंट का और ट्रेस करता है उसको स्पेसिफिक सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के लिए।
जो रिसर्चर है वो बता सकता है कि कौन सा सोर्स है वो डोमिनेट कर रहा है किस प्लेसेस पे। हम जानेंगे इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म के बारे में। दिस स्टडी इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म विच इज मैग्नेटिज्म एज इट डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट फुटप्रिंट ऑन मैग्नेटिक मिनरल्स प्रेजेंट इन एनवायरमेंट सैंपल सच एज सॉइल डस्ट एंड सेडिमेंट। ये जो स्टडी है इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म के एरिया पे जो कि मैग्नेटिज्म है ही है जो डिपिक्ट करता है जो प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का पॉल्यूशन का और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट का मैग्नेटिक मिनरल्स के ऊपर जो कि प्रेजेंट है इन्वायरमेंटल सैंपल जैसे कि सॉइल डस्ट या सेडिमेंट पे। इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक ग्रेन्स एंड देयर ग्रेन साइज विद एन एम टू रिकंस्ट्रक्ट द वे दे आर एसोसिएटेड विद द वेरियस इन्वायरमेंटल प्रोसेस। और जो इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म है ये डील करता है आइडेंटिफिकेशन को लेकर फेरोमैग्नेटिक ग्रेन को और ये जो ग्रेन साइज है इसका मकसद है रिकंस्ट्रक्ट करना जो एसोसिएटेड अलग अलग इन्वायरमेंटल प्रोसेस है उसको। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है मैग्नेटिक मिनरल्स कंटेंट इन सेडिमेंट एंड रॉक। ये मैग्नेटिक प्रॉक्सी हो गया आपका, ये इन्वायरमेंटल प्रोसेस है वेदरिंग रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन का। ये क्लाइमेट चेंज हो गया, ये आपका वोल्केनिक एरिया हो गया, ये आपका सॉइल और एयर पॉल्यूशन हो गया जिसके माध्यम से ये आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो हम जानेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर टेक पार्ट इन सेलिब्रेशन कॉमरेटिंग फार्मर रीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती बर्थ एनिवर्सरी इन पटना बिहार। अभी हाल ही में जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने भाग लिया था सेलिब्रेशन में कॉमरेट करते हुए फार्मर रीडर जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के बर्थ एनिवर्सरी के दौरान पटना बिहार में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। रियल नेम नवरंग राय वॉज एन एसेंटिक नेशनलिस्ट एंड प्रेजेंट लीडर ऑफ इंडिया। इनका रियल नाम जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती का वो नवरंग राय था। वो एक एसेटिक नेशनलिस्ट और पीजेंट लीडर थे इंडिया के। इनका जन्म जो था प्रेजेंट डे यूपी पे हुआ था। उनका जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी वो ज्यादातर फोकस था लेकिन बिहार के इनिशियल डे पे और ग्रेजुअली ये स्प्रेड किए रेस्ट ऑफ इंडिया पे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय सरस्वती 1929 टू एड्रेस पीजेंट कंपाइलेंट अबाउट जमींदारी अटैक्स ऑन देयर ऑक्यूपेंसी राइट एंड सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर फार्मर मूवमेंट इन इंडिया। और जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है बीपीकेएस इसको फाउंड किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कब किया गया था 1929 पे ताकि वो एड्रेस कर सके जो पीजेंट का कंपाइल था जमींदारी अटैक को लेकर ऑक्यूपेंसी राइट का। और सर्व किया था उन्होंने फाउंडेशन के फार्मर मूवमेंट के दौरान इस पर भी उन्होंने सर्व किया था। The All India Kisan Sabha was established at Lucknow session of the Indian National Congress in April 1936 with Saraswati Tujan as its first president. तो कौन सा सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका ऑल इंडिया किसान सभा था इसको स्टेब्लिश किया गया था लखनऊ सेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के अप्रैल 1936 में, जहां पे ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको चूज किया गया था सरस्वती को। सुभाष चंद्र बोस एंड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अप्रैल 28 एज ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस अरेस्ट बाय ब्रिटिश राज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। और सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने डिसाइड किया था कि वो ऑब्जर्व करेंगे अप्रैल 28 को ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे के तौर पे प्रोटेस्ट दिखाने के लिए उनके अरेस्ट के खिलाफ ब्रिटिश राज के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सरसाइज साइक्लोन आई पीआईबी के न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे एक्सरसाइज साइक्लोन आई के बारे में। रिसेंटली द फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी नेम एक्सरसाइज साइक्लोन आई कंक्लूडेड इन जैसलमेर इन राजस्थान। ये कहां पे हुआ, किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में जो पहला एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज था स्पेशल फोर्सेज इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन आई का नाम है जो कि आपका जैसलमेर राजस्थान पे हुआ। तो कहां पे हुआ, जैसलमेर राजस्थान में इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज था। In 2019, Indian held its first ever joint exercise with African country, Africa-India Field Training Exercise 2019, which saw participation by 17 African country. और 2019 में इंडिया ने हेल्ड किया था पहला एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज अफ्रीकन कंट्री के साथ भी, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 इसका नाम था, जिसमें पार्टिसिपेशन किया गया था 17 अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.